इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा एकदम अलग ही चीज है सब कुछ जो अभी तक पढ़ा था. कंपनी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पूरा अलग है ना. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे अपन. किसके कौन से ईयर में दिया गया था? 1872. ठीक है, ये ब्रांच है. किसका ब्रांच है? मर्सेंटाइल लॉ का. ठीक है, मर्सेंटाइल लॉ मतलब बिजनेस को रेगुलेट करने वाले लॉ. ठीक है, बिजनेस रेगुलेटरी लॉज. आ रहा है समझ में? बिजनेस रेगुलेटरी लॉज, जब सामने वाले दो पर्सन जब बिजनेस करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं तब वो आपस में एक डील साइन करते हैं, तो वो जो डील साइन होती है उस डील को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट या फिर अग्रीमेंट. तो हम इस टॉपिक में जो भी पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन किसी काम को करने के लिए एग्री करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो याद रखना, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं ना, एक पर्सन अपने आप के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. तो इट मीन्स टू और मोर पार्टीज हैं, मिलते हैं, काम करते हैं, डील करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना, इट मीन्स इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए कि कैसे सामने वाला काम करेगा, है ना, हाउ टू वर्क. तो जब बिजनेस किया जाता है और बिजनेस करने के लिए मेन डॉक्यूमेंट होता है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वो होता है कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना. टू ऑब्जेक्टिव्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देने का दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था गवर्नमेंट के पास? अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम क्या करेंगे? हाउ वी एक्ट. समझ में आ रही है बात? और गलत हो चुका है, अब हमारे पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं? मतलब अगर हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं और दोनों में से दो पार्टीज होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, दो दो या दो से ज्यादा, तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकती हैं पार्टीज, है ना, या पर्संस. तो जब कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है और एक ये दो दोनों में से कोई भी एक डिच कर दिया, सपोज फर्स्ट पार्टी ने डिच किया सेकंड को, तो अब सेकंड के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हाउ वी एक्ट, ऑप्शंस अवेलेबल. ठीक, और अब क्या रेमेडीज मींस अब क्या सॉल्यूशंस हैं उसके. तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दिया गया. ये जो भी हमने अभी किया ये हमने इंट्रोडक्शन किया. आ रहा है समझ में? क्लियर कर रही हूं मैं? किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी से. क्लियर नो है? अब नेक्स्ट देखो, मीनिंग क्या होती है. अब देखो, मैं जो जो बनाते जाऊंगी साथ साथ आप नोट करते जाना शॉर्टकट में, ठीक है, आपको काम आएगा. तो देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है. ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. देखो क्या लिखा है, ध्यान से समझना बेसिक क्लास फर्स्ट क्लास को. अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ. ठीक है, अब ये डेफिनेशन को समझो. क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट है. वेरी
वैसे हम क्या समझते थे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एक ही चीज होती है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ। इट मींस कॉन्ट्रैक्ट कौन सी दो चीजों से मिलके बना है, एग्रीमेंट और इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसको समझो। एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबल बाय लॉ, जब ये दो चीजें प्रेजेंट होंगी तभी वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब होता है सपोर्टेड बाय लॉ, याद रखना सपोर्टेड बाय लॉ। और कौन सा लॉ, इंडियन गवर्नमेंट का। तो इंडियन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। अब देखो एग्रीमेंट क्या होता है, टू और मोर पर्सन्स होने चाहिए एग्रीमेंट करने के लिए, या फिर पार्टीज होनी चाहिए। सेकेंड, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट समझो, ऑफर होना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक पार्टी ऑफर करेगी, फर्स्ट पार्टी, और सेकेंड पार्टी उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। याद रखना, फर्स्ट पार्टी ऑफर करेगी और सेकेंड पार्टी उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो बेसिक कंडीशन है एग्रीमेंट की, पहली टू और मोर पर्सन, सेकेंड है ऑफर होना चाहिए और ऑफर एक्सेप्ट भी होना चाहिए। अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो वो एग्रीमेंट नहीं है। और तीसरी चीज, कॉन्सेंसस एड आइडम। ये देखो, ये एक लैटिन वर्ड आया, मैंने आपको बताया था ना, आपके लॉ में बीच बीच में कुछ लैटिन वर्ड्स आएंगे जिसका मीनिंग बहुत अलग होगा। इसका मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। आ रहा है समझ में? देखो ये जो कॉन्सेंसस एड आइडम है, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, जो सब्जेक्ट मैटर है। सपोज दो पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, ए और बी, उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि वो रेडीमेड शर्ट्स उसको प्रोवाइड करेगा और सामने वाला उसको 50,000 दे रहा है, जो भी। तो दोनों एग्री करनी चाहिए इस सब्जेक्ट मैटर पे। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, रेडीमेड शर्ट्स हैं, कितने की, 50,000 की। तो एग्री टू सब्जेक्ट मैटर बाय द बोथ एग्री टू सब्जेक्ट मैटर बाय द बोथ पार्टीज। तो एग्रीमेंट क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट वो तभी करेगा जब आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स होगी। ऑफर क्या होगा, सामने वाले को ऑफर करना है। क्लियर है यहां तक? बताओ। देखो ये जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, मेरा देखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का एक नेक्स्ट वर्ड लिखवा रही हूँ मैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब ऑफर कर रहा है सामने वाला, इट मींस वो कुछ प्रॉमिस कर रहा है। टर्म समझो, हाँ, लॉ की टर्म्स, टर्मिनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाला अगर हमको कुछ ऑफर कर रहा है, इट मींस वो क्या कर रहा है, हमको कुछ प्रॉमिस कर रहा है और उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है, वो हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आ रहा है समझ में? ऑफर को एक्सेप्ट करना क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट देखो, मैं क्लियर कर रही हूं। हाँ, ये अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया हमने अभी, लिखा कि नहीं लिखा सबने?
हम लिख रहे हैं लिखना उसको। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, जहां पे स्क्रीनशॉट का होगा तो बोलूंगी स्क्रीनशॉट लो, और जहां पे लिखने का होगा तो लिखते चलना साथ साथ। अब देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो एक चीज तो क्लियर हुई होगी कि कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है और एग्रीमेंट अलग होता है, ठीक है? दोनों अलग अलग हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। अब देखो, हम फीचर्स पढ़ेंगे, एसेंशियल्स पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला फीचर अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है तो वो क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला फीचर होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन टू पार्टीज। ठीक, एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन टू पार्टीज, डेट इज लॉफुल ऑफर ऑफ वन पार्टी फॉलोड बाय अ लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बाय अनदर पार्टी। आ रहे समझ में? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट देखो क्या है, क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। अगर आपका इंटेंशन नहीं है आप लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, इट मींस आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ठीक है? इसलिए पार्टीज का क्या है, लीगल इंटेंशन होना चाहिए कि एक लीगल रिलेशन में बाइंड हो, और सामने वाला जैसे ही लीगल रिलेशन में बाइंड होता है तो जो फेलियर होता है सपोज इन केस, तो उस फेलियर के लिए वो क्या हो जाएगा? आंसरेबल होगा। नेक्स्ट देखो, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का वर्ड मैंने पहले बताया था। देखो, हम जो एसेंशियल एलिमेंट्स या फीचर्स पढ़ रहे हैं, फीचर्स या एसेंशियल एलिमेंट्स हम जो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजों का होना बहुत कंपलसरी है। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं करेगा। तो जितने भी हम फीचर्स पढ़ रहे हैं उसमें से एक भी कंडीशन छूटी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो अब इसमें सेकेंड थर्ड है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स क्या होता है? समथिंग फॉर समथिंग, है ना? अगर हमने 50,000 शर्ट्स का ऑर्डर दिया है तो उसके बदले हमको 50,000 रुपए मिलने चाहिए, तो समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन पेइंग बैक, कुछ ऐसा जिसका मनी वैल्यू हो या उस मनी के इक्विवेलेंट वैल्यू हो, ठीक है? तो वो होता है कंसिडरेशन, कि सामने वाले को कुछ मिलना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को हर बार इक्वल वैल्यू का ही मिलना चाहिए, कभी कुछ कम भी मिल सकता है, कभी कुछ ज्यादा भी मिल सकता है, बट कंसिडरेशन मीन्स कुछ मिलना चाहिए सामने वाले को जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। फोर्थ, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? वो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं वो क्या होनी चाहिए? कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आ गया, नहीं, पार्टीज शुड बी कैपेबल होनी चाहिए और कॉम्पिटेंट होने चाहिए टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी तीन कंडीशंस, और इसका एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग इसमें, इसी यूनिट में। ये कंसिडरेशन का भी एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का भी एक चैप्टर पढ़ेंगे, और ये कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का भी एक चैप्टर पढ़ेंगे आप। अब देखो, तीन कंडीशंस हैं फॉर द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट,
एज ऑफ, क्या लिखा है मैंने, रीड करो। रीड करो। एज ऑफ मेजॉरिटी पर्सन ऑफ साउंड माइंड। हाँ, तो एज ऑफ मेजॉरिटी क्या होती है? अबव 18। एक और बताई थी, गार्डियनशिप वाला बताई थी कि नहीं बताई थी? यस मैम। क्या था वो? ये देखो, अगर पेरेंट्स नहीं है और किसी को गार्जियन है तो 21 इयर्स तक। 21 इयर्स तक, तो देखो एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर इट मींस अगर वो 18 साल से कम है तो वो मेजर नहीं कहलाएगा। तो मेजॉरिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? माइनर। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, उसका दिमाग सही होना चाहिए, तो साउंड माइंड का अपोजिट क्या हो गया? अनसाउंड माइंड। और तीसरा देखो क्या लिखा है, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो टू विच ही इज सब्जेक्ट का मतलब जिस देश का रहने वाला है उसके लॉ के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालिफाई नहीं होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने से। हर कंट्री में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कुछ वो पर्सन या वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं। तो ये देखो, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैपेबल हैं, वो पर्सन कैपेबल हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो मेजॉरिटी है, साउंड माइंड है, तो जस्ट इसका अपोजिट माइनर, अनसाउंड माइंड, और वो पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। तो ये सब क्या है? नॉट कैपेबल पर्सन। क्लियर है यहां तक? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। अनुराग, आरती, आस्था, हर्ष, हितैषी। मैम एक बार सेकंड बता दीजिए ना। क्या है सेकंड में बताओ? साउंड माइंड वाला पूछो। क्रिएटिंग नो मैम, क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। कुछ नहीं यार, इसमें लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब तुम एक लीगल पेपर वर्क करने के लिए रेडी हो। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम उसके लिए एंसरेबल भी रहोगी। अगर तुम अपना जो परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट में तुमको, अगर तुम उस परफॉर्म करने में फेलियर हो जाती हो तो तुम उसके लिए क्या रहोगी? एंसरेबल रहोगी। ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट देखो, ये फोर्थ पॉइंट, मैं फोर्थ पॉइंट का पूछ रही हूँ बेटा। फोर्थ पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम। किसी को डाउट नहीं है फोर्थ पॉइंट में? मैम थर्ड वाला क्या बताए थे? क्या लिखा है? कौन सा थर्ड? ये वाला कि वो वाला थर्ड? नॉट डिस्क्वालिफाइड वाला। ये वाला थर्ड देखो, नॉट डिस्क्वालिफाइड। किसका डाउट है? हितैषी। हितैषी, मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी आप लोगों को, कुछ ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, याद है? कुछ कुछ ऐसा हमने किया था दूसरे टॉपिक्स में। देखो इसको मैं फिर से लिख रही हूँ, नॉट डिस्क्वालिफाइड मतलब वो डिस्क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा उल्टी लैंग्वेज में लिखा है। पैसिव समझते हो? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यस मैम। इंग्लिश में होता है ना, बातों को घुमा के लिखना क्या होता है? पैसिव वॉइस। देखो ये घुमा के, हाँ देखो ये सेम वही लिखा है, नॉट डिस्क्वालिफाइड मतलब डिस्क्वालिफाई नहीं होना चाहिए फ्रॉम एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे कंट्री की बात हो रही है,
वो जिस भी कंट्री का रहने वाला है उसके लॉ के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालिफाई नहीं होना चाहिए. आ रहे समझ में? कॉन्ट्रैक्ट में आने से नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी एक वर्ड और यूज किया मैंने देखा Not disqualified from contracting by any law to which he is subject. तो कोई भी देश होता है या कंट्री होती है उसके लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, अगर वो उसमें आ जाता है तो वो पर्सन डिस्क्वालिफाई होता है, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है. देखो उसमें पहली कंडीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं क्या? बताओ. अरे बताओ यार, आपको किसी चीज का बिजनेस करना है तो आप क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ बिजनेस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? सोच रहे हो? बताओ हर्ष. हर्ष रवि नहीं पता मैम. अच्छा, नहीं कर सकते शायद. नहीं कर सकते बेटा. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? इंडियन गवर्नमेंट को क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है ना. तो आप अपने पर्सनल कोई कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस डील कर सकते हैं क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ? नहीं कर सकते. म्यूनिसिपल अगर कर भी लेते हैं तो इनको तो इम्यूनिटी रहती है कि अगर ये किसी का खून भी कर दें तो ये माफ होता है. समझ में आ रही है बात? लेकिन ये कॉमन मैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं क्या? नहीं. तो नॉट डिस्क्वालिफाइड From contracting by any law to which he is subject का मतलब उस देश के कानून के अकॉर्डिंग ऐसे पर्सन के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है जो डिस्क्वालिफिकेशन में आता है. तो पहला होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के साथ आप नहीं आ सकते हैं यानी लोकल अथॉरिटीज नगर निगम वगैरह के साथ. तीसरा आप पुलिस के साथ नहीं आ सकते हैं, या जो फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं आप उनके साथ उसमें नहीं आ सकते हैं. आप वो फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ बिजनेस डील कर सकते हैं क्या? या फिर इंसॉल्वेंट के साथ आप नहीं कर सकते हैं. इंसॉल्वेंट कौन होता है? जिसका दिवालिया निकल जाता है, सब कुछ बिक गया है जिसका. दूसरा एलिंग एनिमी, वो कंट्री जिसके साथ इंडिया का वॉर चल रहा है, वो कंट्री जिसके साथ इंडिया का वॉर चल रहा है आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं. आ रहे समझ में? तो ये डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस हैं. बताओ क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम. नो मैम. अब इस पे नेक्स्ट देखो. ये तो कितनी कंडीशंस की हमने? चार. अब फिफ्थ देखो. फ्री कंसेंट. कंसेंट क्या होता है? कंसेंट बताओ क्या होता है? परमिशन. परमिशन. परमिशन नहीं करना. परमिशन तो ठीक है, अग्री करना. ठीक है ना? अग्री करना फ्रीली मतलब आपके ऊपर कोई प्रेशर या दबाव नहीं होना चाहिए, है ना? नॉट इन फोर्सफुली कंडीशन. ठीक है, मतलब फ्री ऑफ माइंड. फ्री ऑफ माइंड आपको यस बोलना है या फिर नो बोलना है, वो फ्री कंसेंट होता है, आपका चॉइस है. आ रहे समझ में? फ्री कंसेंट का मतलब, इसका मैंने एक और वर्ड बताया था, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स की एग्री करना चाहिए. ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई अग्री नहीं करे. इसका लैटिन वर्ड क्या बताया मैंने? क्लियर है यहां तक? अब देखो इसका भी ना आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है. अब देखो, अब आपके बुक में दिया है कि नहीं? नहीं दिया है. मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, समझो. फ्री कंसेंट
एक वर्ड लिख रही हूं मैं, कोर्शन। कोर्शन सुना है कभी? नो मैम। अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, और मिसरिप्रेजेंटेशन। जब ये पांच कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, तब कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट नहीं होता है। नॉट फ्री कंसेंट वो नहीं होता है, ठीक है? तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये पांच चीजें इन्वॉल्व है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट में नहीं आता है। अब देखो कोएर्शन क्या होता है। कोएर्शन का मतलब बताएगा कोई? इसको बोलते हैं डरा धमका के। नेक्स्ट देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? सामने वाली पार्टी ऐसी पोजीशन में है, एक सेकंड, अ पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द अदर, ठीक है? वो सामने वाले को क्या कर रही है? डोमिनेट कर रही है। फ्रॉड तो सबको पता है, धोखा। मिस्टेक क्या होता है? गलती से अगर हम किसी के साम कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं तो। और मिसरिप्रेजेंट का क्या मतलब होता है? गलत रिप्रेजेंट करना। जो ट्रूथ है या जो फैक्ट्स हैं उनको रॉन्गली रिप्रेजेंट करना, ठीक है? तो जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये पांचों कंडीशंस रहेंगी तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। इट मींस फ्री कंसेंट होने के लिए ये पांचों सिचुएशंस को नहीं होना चाहिए। समझ में आया फ्री कंसेंट का मतलब? यस मैम। यस मैम। लिखा है ये पांचों पॉइंट्स आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो जब इसका एक पूरा चैप्टर किया जाएगा तो इन सब पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन, एक एक पॉइंट को, ठीक? अब नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल। ऐसा नहीं कि उसको इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट ही ना करें, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करना चाहिए। ऑब्जेक्ट आपका लॉफुल होना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट देखो, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी क्या होती है? सर्टेन होनी चाहिए मीनिंग। आप जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो काम हो रहा है वो सर्टेन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अनसर्टेन होना चाहिए, कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है या मैनिपुलेट हो रहा है, नहीं। जो भी है सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए। 50,000 बैग्स ऑफ राइस अगर सप्लाई की बात हुई है तो 50,000, ऐसा नहीं कि आपने कंडीशन में लिख दिया है कि 50,000 बैग से थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, नहीं। सर्टेनिटी, एक चीज सर्टेन होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ठीक? नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं हो सके, है ना? तो पॉसिबल होने चाहिए। ऐसे कोई टारगेट्स वगैरह नहीं देने चाहिए जो इम्पॉसिबल हो करने के लिए। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है? कंप्लीशन होनी चाहिए लीगल फॉर्मेलिटीज का। कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। एक लास्ट लिख रही हूँ, देखो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, इसका एक चैप्टर बनता है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है. एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. वॉइड की मीनिंग बताई हूं ना मैं आप लोगों को, नल, जीरो. बताया था कि नहीं बताया था? मैं बताया है ना. एग्रीमेंट अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है. तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो वॉइड है. वॉइड का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या एग्रीमेंट, वो वैलिड था बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी सिचुएशन का आना, अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मतलब अब उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी नहीं बची है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइड. एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब सही था, बट कुछ ऐसी सिचुएशन का आ जाना कि अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वॉइड. सपोज ए और बी शादी करने वाले थे, शादी कर रहे, इट मीन्स दे आर इन कॉन्ट्रैक्ट, राइट, कि वो लोग मैरिज करेंगे. अब समझो बी पागल हो गया, बी पागल हो गया मीन्स अनसाउंड माइंड, है ना. तो अनसाउंड माइंड, मैंने बताया था कि कोई पर्सन अगर मेजॉरिटी का नहीं है, अगर अनसाउंड माइंड है तो वो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए. तो ये लोग जब शादी करने के लिए रेडी थे तो वो कॉन्ट्रैक्ट सही था, बट कुछ सिचुएशन हो गई कि ये पागल हो गया बी, तो वो उससे शादी करेगी क्या? नहीं. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड. सेम वही, ए ने ऑर्डर दिया बी को कि हमको ईरान से कुछ इम्पोर्ट्स करके दो गुड्स वगैरह. अब इंडिया का सडनली वॉर डिक्लेयर हो गया ईरान के साथ, तो पहले तो वॉर नहीं था तो उसने हाँ बोल दिया, अब वॉर डिक्लेयर हो गया तो उससे नहीं मंगवा सकता. तो ऐसी सिचुएशन का आना कि कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो गया? वॉइड. तो ये था आपके एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट.